जाने किस तरह से करे धान की खेती, जिससे लहलहा उठेंगे खेत, व किन किन बातों का रखे ध्यान। गुमला जिला आदिवासी बहुल व पिछड़ा इलाका में आता है। हमारे देश, राज्य व जिला की अधिकांश आबादी कृषि पर आश्रित है। गुमला जिला में बड़े कल कारखाने, उद्योग धंधे, रेलवे आदि नहीं होने के कारण यहाँ की भी लगभग 70% से अधिक आबादी कृषि पर आश्रित है। गुमला में धान की खेती बहुतायत रूप से की जाती है। आत्मा के तकनीकी प्रबंधक अजीत कुमार से जाने किस तरह से करें धान की खेती, व किन बातों का रखें ध्यान, जिससे आपके खेत फसल से लहलहा उठेंगे। बारिश का मौसम अभी स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि खरीफ में जान रहे हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से धान की खेती होती है और उसमें इस बार लोग रागी पे फोकस कर रहे हैं और दलहन में आ रहा है उड़द और मूंग की भी खेती होती है। इसमें हम लोग इसमें किसानों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी इसमें खेती करते हैं तो बीज का सिलेक्शन हमेशा अच्छे बीजों का, कोई जेन्युइन सोर्स हो वहीं से इसका सिलेक्शन करें, बीज का क्रय करें। उसके बाद फिर बीज को फिर अच्छे से बीजोपचार करें। बीजोपचार करने का अलग अलग केमिकल मेथड है और फिर सभी जगह बाजार में बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध, जैसे राइजोबियम ये सब उपलब्ध हो गया है, PSB ये सब उपलब्ध हो गया है, तो इसका भी इस्तेमाल करें और सॉइल का भी ट्रीटमेंट करें। कीटनाशक का छिड़काव मिट्टी में भी करें, क्योंकि बहुत से ऐसे जर्म्स होते हैं जो उसके जो स्पर जो उसका अंडाणु जो होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं, तो स्पोर को ख़त्म करने के लिए सॉइल का ट्रीटमेंट भी आवश्यक है। और उसके बाद सॉइल का ट्रीटमेंट करें, फिर कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। आपके पास जो अवेलेबल कंपोस्ट है, जैसे आपका जो मवेशी का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसका भी डिकम्पोज के बाद उसका इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छी उत्पादन में वृद्धि होगी। और उस पर ध्यान रखें कि मेढ़बंदी भी आपके खेत में अच्छी हो, ताकि वो जो कंपोस्ट आप डालते हैं। क्योंकि गुमला जिला में धान की खेती 188,000 हेक्टेयर में नोटिफाइड जो एरिया है यहाँ का, तो इतना 188,000 हेक्टेयर है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के अलग अलग सभी वेराइटी इसमें लिए जाते हैं। जैसे इसमें अगर हम धान पर देख लें तो इसमें अपलैंड, मिडलैंड और लोलैंड तीन तरह के होते हैं। तीनों का जो वेराइटी होता है वो अलग अलग होता है और इसका ड्यूरेशन अलग होता है। जैसे अपलैंड में अगर लेते हैं तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन लगभग 85 से 90 दिन के जो क्रॉप होते हैं वो लिए जाते हैं। मिडलैंड 110 और नीचे हम लोग लोलैंड में चले जाते हैं तो 135 से 140 दिन तक का भी क्रॉप इसमें लिया जाता है। हाइब्रिड का बेसिकली क्या होता है कि इसमें बहुत प्रोडक्शन इसका बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। फर्टिलाइजर की अधिक आवश्यकता होती है, कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। उसमें एक एक हेक्टेयर में आपको 10 टन तक कंपोस्ट को डालना पड़ता है। तभी देखिए यील्ड, सिर्फ सीड से ही यील्ड नहीं होगा, उसके लिए पूरा व्यवस्था, उसके लिए उसका न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना होगा, उर्वरक की आवश्यकता होगी और देख रेख करनी होगी। उसमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगे, पेस्ट का भी टाइम टू टाइम अटैक होता है। बहुत तरह के दवा है जो सभी दुकानों में उपलब्ध है गुमला ज़िले में, और सभी जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी डीलर हैं दवा जो और खाद उर्वरक विक्रेता जो है वो लोग सभी लोग को जानकारी है। डिप्लोमा की तरह उन लोग को ट्रेनिंग दी गई है, उनको भी जानकारी होती है, उनसे भी किसान जो है पूछताछ करके और इसका समाधान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो मतलब धान की खेती अच्छी होगी। धान की खेती बिल्कुल अच्छी होगी, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सीड का सिलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे अच्छे सीड का सिलेक्शन करें और उसका मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। कंपोस्ट का, धान के लिए कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है, कंपोस्ट उसमें होना चाहिए। कंपोस्ट का इस्तेमाल बहुत कम, यहाँ की मिट्टी भी देखते हैं बहुत एसिडिक मिट्टी है, बालू टाइप की मिट्टी है, जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ही कम मात्रा में होता है। या जो भी हम लोग यूरिया DAP करते हैं तो क्या होता है, सैंडी टाइप का जो लूज सॉइल है इसमें क्या होता है, लीचिंग होकर के इसमें जितने भी वो न्यूट्रिएंट होता है वो नीचे चला जाता है, या फिर रन ऑफ वाटर से फिर क्या होता है अपलैंड टोपोग्राफी यहाँ का इस तरह का वो फ्लो होता है। तो किसान का मेढ़बंदी भी अपने खेतों में रखना होगा ध्यान, वैसे अननेसेसरी फ्लो नहीं करें, क्योंकि आपका आपने उसमें जो यूज़ किया है कंपोस्ट वगैरह यूज़ किया है, DAP यूज़ किया है, वो क्या होता है वो न्यूट्रिएंट अननेसेसरी फ्लो होकर के फिर धीरे धीरे डिफरेंट नाला से होते हुए फिर नदी में चला जाता है। उस लॉस से भी बचना होगा।